हेलो, हाय एवरीवन। और अभी हम अयोध्या कैंट में रेलवे स्टेशन पे हैं और कुछ देर में हम लोग निकलेंगे वाराणसी के लिए। तो अभी 1 घंटा है हमारी गाड़ी आने में, ट्रेन को आने में। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मम्मी भी बैठी हुई है, प्रिंस भी बैठा हुआ है और पापा जी गए कुछ सामान वामान लेने के लिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और गाड़ी आती जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा प्रिंस कितना हैप्पी है, उसे लग रहा है कि हम लोग घर जा रहे हैं, बट हम लोग घर नहीं जा रहे, हम लोग वाराणसी के लिए जा रहे हैं। और यहाँ अब हमारी ट्रेन खुल चुकी थी, हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, तो अब हम लोग रवाना होंगे वाराणसी के लिए। तो यहाँ ये एसी ट्रेन थी तो सबको थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। हमें 4 घंटे का और ट्रैवल करना था अयोध्या से वाराणसी के लिए, और काफ़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि मॉर्निंग में हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे और हमारी ट्रेन भी जल्दी थी। तो अभी हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि वाराणसी रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर स्टेशन है और यहाँ मम्मी शॉर्टकट से सामान निकाल रही है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ धूप निकली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सभी को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि सब लोग का नाश्ता ही कर रखे थे। और अब हम लोग कहीं पर रूम देखेंगे और रूम देखने का भी देखेंगे। और यहाँ मम्मी अब आगे की तरफ जा रही थी और प्रिंस मेरे साथ साथ चल रहा है पीछे पीछे। तब तक मेरे हेल्थ कैसी कितनी बुरी हो रखी है, कितनी गंदा शक्ल लग रहा है मेरा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह ही हम लोग की ट्रेन थी। कुछ खाए पिए भी नहीं थे सही से। और यहाँ हम लोग अब रिक्शे में बैठ गए थे, तो ऑटो तो नहीं मिला पर रिक्शा मिल गया था। और आप देख सकते हैं मेरी काशी, मेरा स्वाभिमान, ये हर जगह आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस तरह का। इसलिए हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं और बनारस पहुंचने के बाद अब हम लोग रूम देखेंगे। और रूम के लिए भी हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश करी थी अयोध्या में, पर बुकिंग नहीं हो पाई। बट पापा एक जगह बता रखे हैं कि वहाँ मिल जाता है अक्सर रूम, तो वहीं पर अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी मुझे भी नहीं पता कि हम लोग को कहाँ जाना है, और पापा जी को पता है इस बारे में क्योंकि पापा ने काफ़ी लोगों से बात करी थी, तो उन्होंने यही का सजेस्ट किया था, यहाँ कोई अच्छा से रूम मिल जाएगा। तो आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे रूम लिया है। तो फिलहाल यहाँ ही पे मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस छोटे से वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्लीज़।